हेलो हेलो मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी BEO का पहला क्लास आपका, मैंने इसके पहले एक वीडियो आपको उपलब्ध कराया कि इकोनॉमिक्स से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आज बदलते परिपेक्ष में जो कि उत्तर प्रदेश कमीशन बार बार क्वेश्चन को बदल रहा है, आज इकोनॉमिक्स का जो स्टैंडर्ड है वो UPSC के तरीके के से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी आप बैक ईयर जो पेपर हुआ 2018 प्री का, आप उसमें देखें कि जो है IAS पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि आज वन लाइनर की अपेक्षा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी डाल दे रहे हैं। जैसे पिछले बार अभी जो 18 में पेपर हुआ उसमें पूछा गया कि बहुआयामी गरीबी के सूचकांक में क्या शामिल होता है, कुजनेट्स वक्र कैसा होता है। तो मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक शब्दावलियों की कुछ चर्चा करूंगा, जो कि कई बार हर परीक्षाओं में लगातार एक दो शब्दावली इकोनॉमिक्स से आपको पूछ लिया जाता है। तो कोई भी जो शब्दावली पूछी जा रही है उस सारी शब्दावली के बारे में मैं बताऊंगा कि शब्दावली से संबंधित कैसी कैसी, जैसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, और उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, हेजिंग क्या है, हवाला क्या है, फिलिप्स वक्र क्या है, प्रदर्शन प्रभाव क्या है, रैचेट प्रभाव क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको पूरा विषय सूची उपलब्ध कराऊंगा और टॉपिक बाय टॉपिक विषय को मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा। तो आज मैं आर्थिक शब्दावलियों की बात करूंगा और पूरी शब्दावली को आपको समझाऊंगा। जैसे प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है, दूसरा रैचेट प्रभाव क्या होता है, रैचेट प्रभाव, अगला क्राउडिंग आउट प्रभाव, अगला क्राउडिंग इन प्रभाव, अगला फिलिप्स वक्र, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है फिलिप्स वक्र। अभी 2018 के PCS प्री में जो क्वेश्चन आया कुजनेट्स वक्र, तरलता जाल, अगला काउंटर वेलिंग ड्यूटी, अगला लेफर वक्र, अगला एंजेल का नियम, अगला, पहले मैं इतनी शब्दावली की चर्चा करता हूं फिर आगे मैं शब्दावलियों के बारे में आपको बताता हूं। पहला है प्रदर्शन प्रभाव। देखिए, जो विकासशील देश होते हैं ये विकसित देश का अनुसरण करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनके रहन सहन कल्चर सब चीज का अनुसरण करते हैं। ये दोनों शब्दावली को ड्यूजनबरी ने दिया, ये दोनों शब्दावली को ड्यूजनबरी ने दिया, ये एक अर्थशास्त्री हैं, और ड्यूजनबरी ने कहा कि जो विकासशील देश है वो प्रदर्शन प्रभाव करता है। जैसे हम लोग कोई विकासशील देश का अनुसरण करें, आप इस तरह से समझिए, जैसे कोई व्यक्ति साइकिल से चल रहा है, अचानक किसी को पड़ोसी को देखकर वो बाइक से चलने लगे, अब वो बाइक का आदि हो जाएगा, फिर वो कार से चलने लगा, अब जब कार से चलने लगा काफी दिन तक वो चलने लगा, बाद में उसके पास इनकम का स्रोत नहीं, पेट्रोल का पैसा नहीं, अब उससे कहा जाए आप पुनः साइकिल पे आइए, तो वो कहेगा कि मैं साइकिल पे पुराने स्तर पे नहीं आऊंगा, बल्कि वो बाइक से चलना पसंद करेगा, पुराने स्तर पे चलना पसंद नहीं करेगा।
तो प्रदर्शन प्रभाव का मतलब कि साइकिल से फोर व्हीलर पे जाना प्रदर्शन प्रभाव कहलाता है और फोर व्हीलर से बाइक पे आना रैचेट प्रभाव कहलाता है। ये मानव का स्वभाव है कि जब वो अपने उपभोग को ऑप्टिमम लेवल पर अधिकतम ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है तो पुराने स्तर पर अपने आप को समायोजन नहीं कर पाता। तो ध्यान से समझिए, प्रदर्शन का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी को देखकर अपने उपभोग के स्तर को बढ़ा दे और अब उसके बाद पुराने स्तर पर ना आ पाए, कहीं बीच में अधर में रह जाए, तो उसे रैचेट प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों शब्दावली को दिया किसने? तो ये दोनों शब्दावली को दिया ड्यूजन बरी ने। ध्यान से समझते चले, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार पीसीएस में एक प्रश्न यहां से पूछा जा रहा है, रेगुलर कंटिन्यू पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन डाल दे रहा है। जैसे अभी 2018 के पीसीएस में आया क्या कुजनेट्स वक्र 18 के प्री में, तो एक वक्र इस समय पूछे जा रहे हैं और ये डीपली प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अगला है क्राउडिंग आउट प्रभाव। ध्यान से समझिए, क्राउडिंग आउट प्रभाव, जब सरकार गवर्नमेंट जब मार्केट में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, जिसके कारण निजी क्षेत्र अपने को बाजार से बाहर कर ले। कहने का मतलब, जब बाजार में या इकोनॉमी में सरकार की भूमिका बढ़ जाए, जिसके कारण निजी क्षेत्र बाजार से अपने आप को बाहर कर ले, तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। कई बार परीक्षा में आ चुका है ये। जब सरकार का रोल बाजार में लगातार बढ़ता चला जाए और निजी क्षेत्र अपने को बाजार से बाहर करता चला जाए, तो इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर, जब सरकार बाजार में सरकार की भूमिका कम होती चली जाए, जब बाजार में सरकार की भूमिका कम होती चली जाए और निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती चली जाए, बात को समझिए। मतलब कि बाजार में, मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेयर बढ़ जाए, निजी क्षेत्र बाजार से बाहर हो जाए, तो उसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहेंगे। और जब सरकार बाजार से अपना हाथ खींचने लगे, निजी क्षेत्र का बाजार जो है भूमिका बढ़ने लगे, तो उसे क्राउडिंग इन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों शब्द। अगला है फिलिप्स वक्र। देखिए फिलिप्स वक्र, ये फिलिप्स एक अर्थशास्त्री हैं और उन्हीं के नाम पर ये फिलिप्स वक्र पड़ा। फिलिप्स महोदय कहते हैं कि जब मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है, कैसे होती है, तो फिलिप्स ने कहा, इसका ध्यान से समझिए, इसका संबंध बेरोजगारी, बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति से है, मुद्रा स्फीति से है। फिलिप्स कहते हैं कि जब सरकार, फिलिप्स कहते हैं कि जब सरकार बेरोजगारी को दूर करना चाहती है, तो सीधी सी बात है, घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाएगी। यहां घाटे की वित्त व्यवस्था का तात्पर्य, जब सरकार का कर और ऋण से काम नहीं चल पाता तो फाइनेंशियल डेफिसिट का प्रयोग करती है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, हीनार्थ प्रबंधन शब्द का प्रयोग करती है कि जितने के बराबर घाटे का है उतने के बराबर नई नोटों का, कोई प्रतिभूति जमा करके नई नोटों का निर्गमन कराना। तो घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई। मान लीजिए कि सरकार को 100 रुपए खर्च करना था और 90 रुपए सरकार को मिला और 10 रुपए सरकार ने क्या काम किया, नई नोट का निर्गमन कर दिया और जो है मार्केट में, और क्या हुआ, बेरोजगारी दूर हो गई। लेकिन जब सरकार शुरू से हो रहा है कि अभी हुआ, क्या हो गया, काहे बोल रहे हैं यार, बैटरी लो हो गई है, देख रहा हूँ वही चेंज करने के लिए। बैटरी लो नहीं हो गई, इन्होंने दाब दिया है, कहाँ से होगा, लो हो गया।
चलो चलो, ये देखो फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखो नहीं बहुत अब इसको बैक मत करिएगा सर, क्योंकि जानते हैं जो चीज़ एक बार बन जाती स्टार्ट करें। तो देखिए मित्रों, जैसे फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र भाई, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र दिया किसने? फिलिप्स ने दिया। फिलिप्स का मानना है कि जब इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति, मतलब जब सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाती है, जिसके कारण मार्केट में मुद्रा स्फीति हो जाती है, अब बाद में सरकार करती क्या है कि मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने का काम करती है, और जब सरकार मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करने का काम प्रारंभ करती है तो मुद्रा स्फीति अपने आप बेरोजगारी फिर उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो ये बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति के बीच संबंध को बताता है। आगे आइए, कुजनेट्स वक्र, जो कि अभी 2018 पीसीएस प्री में पूछा गया कुजनेट्स वक्र। देखिए जो फिलिप्स वक्र है इसका आकार ऐसे होता है, लेकिन जो कुजनेट्स वक्र है वो इनवर्स यू आकार का होता है। अभी एक पेपर में पूछा गया पीसीएस 2018 के प्री में। तो कुजनेट्स दो चीज से संबंधित है वक्र, कुजनेट्स जैसा कि कुजनेट्स एक अर्थशास्त्री है और उन्हीं के नाम पर ये कुजनेट्स वक्र पड़ा। तो कुजनेट्स वक्र ये कहता है, इसका दो चीज से संबंध है, विकास और विषमता, विकास और विषमता पहला संबंध इसका है। दूसरा बात, विकास और पर्यावरण, ये दो चीज से संबंध है। तो देखिए अभी पूछा गया कि ये इसका आकार कैसा होता है, तो इनवर्स यू आकार का, उल्टे यू आकार का होता है। कुजनेट्स कहते हैं कि जैसे जैसे देश विकास करता है प्रारंभ में विषमता बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। आप इस तरह से समझें कि पहले कुछ ही लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, कुछ ही लोग ग्रेजुएट हुआ करते थे, लेकिन आज कंटिन्यू ग्रेजुएशन मतलब डिग्री बढ़ती चली जा रही, मतलब विषमता क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रहा। तो कहने का मतलब कि विकास के साथ साथ विषमता कम हो रही है, पहला संबंध। दूसरा ये संबंध बताते हैं विकास और पर्यावरण। कुजनेट्स का मानना है कि जैसे जैसे देश विकास करता है एक सीमा तक पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे सौर ऊर्जा जैसे जो है प्रयोग किया जाता है उपकरण का, तो विकास के साथ जैसे गैस में डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो विकास के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण में क्या होता है, कमी होता है, ऐसा कुजनेट्स का मानना है। अगला है तरलता जाल, इसका प्रतिपादन कीन्स ने किया। किसने किया? कीन्स ने। कीन्स कहते हैं कि जब मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, ध्यान से समझना, मनी सप्लाई मुद्रा स्फीति बढ़ाई जाए, मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, मनी सप्लाई मुद्रा की पूर्ति, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाए तो ब्याज दर कम होना चाहिए। मतलब कीन्स ने कहा कि जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती है ब्याज की दर में लगातार गिरावट आती है, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज दर की गिरावट में कमी आने लगती है, क्योंकि ब्याज दर कभी शून्य नहीं हो सकता, और मुद्रा तरलता के जाल में फंस जाती है। तरलता का मतलब है जो आसानी के साथ चलायमान हो,
बिना मूल्य ह्रास के उसे हम तरलता नाम देते हैं। अगला है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब कि जब कोई निर्यातक, मतलब जब अपने देश से दूसरे देश में वस्तु को भेजते हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। जब कोई निर्यातक अपनी वस्तु में सब्सिडी देता है और अगला देश उस पर टैरिफ और कोटा लगा देता है जिसके कारण सब्सिडी माइनस हो जाती है तो उसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। मतलब कोई निर्यातक देश अपने वस्तु में सब्सिडी दिया, जैसे मान लीजिए ये मार्का है और इस मार्का के साथ एक मार्का फ्री, ये सब्सिडी दे दिया, अगले देश ने क्या किया इस पर टैरिफ और कोटा लगा दिया जिसके कारण ये सब्सिडी माइनस हो गई, केवल यही बचा, तो उसी को क्या बोलेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलेंगे। अगला है लैफर वक्र। लैफर एक अर्थशास्त्री है और उन्हीं के नाम से लैफर वक्र के नाम से जाना जाता है। तो लैफर कहते हैं इसका संबंध कर और राजस्व से है, कर और राजस्व, इसका संबंध कर और राजस्व से है, ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला है एंजिल का नियम। एंजिल एक अर्थशास्त्री है। एंजिल का मानना है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है प्रारंभ में बेसिक नीड्स पर खर्च अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती चली जाती है बेसिक नीड्स पे खर्च कम होने लगता है। जैसे रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाती है उसका क्या होता है कि बेसिक नीड्स पे खर्च, रोटी कपड़ा मकान पे खर्च कम होने लगता है और लग्जरियस जीवन पे खर्च बढ़ने लगता है। जैसे जैसे मान लीजिए किसी की इनकम कम है तो रोड पे वो जो है परेठा खाकर काम चला रहा है, लेकिन इनकम बढ़ने लगी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने लगा, पैसा कम है नॉर्मल तरीके से पंखे कूलर से काम चला लिया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वो क्या करेगा कि एसी से काम चलाएगा। तो एंजिल का मानना है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है बेसिक नीड्स पे खर्च कम होने लगता है और लग्जरियस जीवन पे खर्च बढ़ने लगता है भौतिकवादी वस्तुओं पे। अगला है एक वो शब्दावली पूछा जाता है सार्वजनिक वस्तु, सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर क्या है। तो सार्वजनिक वस्तु उसे कहते हैं, देखिए ध्यान से समझना, निजी वस्तु सार्वजनिक वस्तु हो सकती है लेकिन सार्वजनिक वस्तु कभी निजी वस्तु नहीं हो सकती है। जैसे सड़क है, इस पर किसी का पैतृक अधिकार नहीं है, सब लोग चलेंगे, लेकिन घर के अंदर आप टीवी देखें आपकी निजी संपत्ति किसी को वंचित कर सकते हैं, लेकिन वही रोड के किनारे देखें तो किसी को वंचित नहीं कर सकते। तो यह रहा सार्वजनिक और निजी वस्तु में अंतर। अगला है पूरक वस्तु। जब एक साथ प्रयोग करें, जैसे कार और पेट्रोल, जब दोनों वस्तु को एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसे हम पूरक वस्तु कहते हैं। जब एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करते हैं तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, जैसे चाय और कॉफी। तो देखिए मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्दावली मैं आपके सामने लिख दिया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर आगे कंटिन्यू जो है इसको, जब मैं अभी तो आपको केवल शब्दावली के बारे में आज बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी जो शब्दावली बची हुई है उसको आगे मैं आपको बताता रहूंगा। तो कहने का मतलब प्रदर्श फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विकसित देश का जब अनुसरण करने के बाद हम उपभोग को बढ़ा ले प्रदर्शन प्रभाव, पुराने स्तर पर ना आ पाए बीच में ही रहे तो रैचेट प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बढ़े निजी क्षेत्र बाहर और क्राउडिंग आउट प्रभाव, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़े सार्वजनिक का कम तो उसे क्राउडिंग इन प्रभाव, फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति के संबंध, कुजनेट्स वक्र पर्यावरण और विकास और विषमता और विकास के बीच संबंध, यूनिवर्स यू आकार का तरलता जाल किन्स ने दिया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कोई सब्सिडी लगा दे, लैफर वक्र और राजस्व, एंजिल का नियम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लग्जरियस जीवन पे व्यय बढ़ता है। तो आज की क्लास में मित्रों हमने सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स की शब्दावलियों के बारे में चर्चा की है। अब फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक मित्रों, धन्यवाद।